हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। प्रदेश के कटनी में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। मंदिर में भगवान के सामने सिर झुकाया तो शख्स वापस नहीं उठ सका। पूजा कर रहे शख्स की मत्था टेकने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये घटना गुरुवार की बताई जा रही है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक राजेश महानी नाम का शख्स मंदिर में अपने आराध्य के सामने परिक्रमा कर रहे थे। इस दौरान जब वो मत्था टेकने के लिए नीचे बैठे तो वापस उठ ही नहीं सके। इस दौरान कई लोग उनके पास से गुजरे, लेकिन सबको लगा कि वो पूजा में मगन है। काफी देर तक जब वो नहीं उठे तो पास मौजूद भक्तों ने मंदिर के पुजारी को वहाँ बुलाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुजारी ने वहां पहुंचकर उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे। तब उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों को शक है कि राजेश को साइलेंट दिल का दौरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि पूजा करने जमीन पर बैठे राजेश ने करीब 15 मिनट तक कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद भक्तों ने मंदिर के पुजारी को इसकी जानकारी दी, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अधिकारियों का कहना है कि राजेश महानी मेडिकल स्टोर चलाते थे। वो हर गुरुवार को मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। शुक्रवार को जबलपुर में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां बस चला रहे एक ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। बेकाबू बस ने सामने से आ रहे कई दूसरे वाहनों को रौंद दिया था। अब कटनी के मंदिर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। मंदिर में पूजा करने गए भक्त की मौत साइलेंट हार्ट अटैक से होने की बात सामने आई है।